हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनकवर द मिस्ट्री। सो आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा था और आप सभी लोगों के मन में बहुत डाउट्स होंगे इसको यूज़ करने के लिए। तो आज मैं ये पिलग्रिम का सनस्क्रीन लेकर आई हूँ और मैं आप लोगों को इसका ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसको कई इन्फ्लुएंसर्स को इसका ऐड करते हुए देखा था। सो आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई। तो पिलग्रिम का ये ग्लो सनस्क्रीन है और इसके काफ़ी अलग अलग टाइप से 1% हाइलुरोनिक एसिड के साथ भी आता है, 2% नाइसिनमाइड के साथ भी आता है। जो मेरे पास है वो 2% नाइसिनमाइड के साथ है। इसके अलावा इसमें SPF 50++++ है, ट्रिपल प्लस के साथ ये आता है। अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ तो ये एक केमिकल सनस्क्रीन है, ये आपका मिनरल सनस्क्रीन नहीं है। आपको इसे 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स पहले अप्लाई करना होगा जब भी आप बाहर निकलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो अगर मैं इसके प्लस पॉइंट की बात करूँ तो वाइट कास्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, जीरो वाइट कास्ट है। और इसका दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट है। जब भी आप इसे लगाएंगे तो आपके फेस पे ग्लो देगा लेकिन एक स्टिकीनेस नहीं देगा, चिपचिपा आपको अपनी स्किन नहीं लगेगी। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे लगा इसका। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि क्योंकि इसमें 2% नाइसिनमाइड है, तो आपको फेस पे कई बार ऐसा होता है सनस्क्रीन लगाने के बाद हमारे फेस पे छोटे छोटे एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो नहीं होगी क्योंकि 2% जो नाइसिनमाइड है इन चीज़ों को ये बैलेंस कर लेता है। और चौथा इसका बेनिफिट ये है कि क्योंकि इसमें मेंशन भी है ग्लो सनस्क्रीन, तो ग्लो तो ये आपको ज़रूर देता है। इसे लगाने के बाद फेस आपका शाइन ज़रूर करेगा, ग्लो करेगा। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। और अब मैं बात कर लेती हूँ इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो जब मैंने इसका ऐड देखा था तो उनका मेजर पॉइंट यही था कि इसको लगाने के बाद आपका फेस डल नहीं होगा। थोड़ी देर बाद लगाने के बाद फेस मुझे डल लगा, तो ये चीज़ मैंने इसकी नोटिस करी। तो इसका माइनस पॉइंट ये है कि आप इसे सिर्फ गर्मियों में ही यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा अगर वेदर ऐसा होता है कि जिसमें स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, या फिर विंटर्स में आप सोच रहे थे ट्राई करने की, तो रेगुलर सनस्क्रीन आप इसे नहीं बना सकते अपना, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए और ड्राई वेदर के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो अब मैं आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ एक बार, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि कितना ये लाइट वेट है। एज़ यू कैन सी, मैं इसे अभी लगा के दिखाऊंगी तो इसमें वाइट कास्ट आपको नहीं दिखेगा। ये आप स्प्रेड करने के बाद जब देखोगे तो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है सनस्क्रीन भी, और कोई वाइट कास्ट नहीं होता है उसके बाद इसमें। यहाँ मैंने सनस्क्रीन अप्लाई किया है और इस साइड मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो मैंने इसे अपनी स्किन पे अप्लाई करके दिखाया, आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों साइड्स में। सो आप लोग को थोड़ा आइडिया लग गया होगा किस तरीके का इसका टेक्सचर है, किस तरीके से ये आपको एक ड्यू फिनिश देता है अप्लाई करने के बाद। सो दिस वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू। और मैं 15 डेज से यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा एज सच ड्रॉबैक नहीं दिखा है इसका। जो स्किन टाइप है वो नॉर्मल है, मतलब ना ही ऑयली है ना ही ड्राई है, तो मेरे को ये सूट किया है। बाकी आप फिर भी जब भी आप इसे यूज़ करें तो एक पैच टेस्ट ज़रूर ले लें। सो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।